आ जा। हेलो कैसे हैं आप लोग? आज हम इसका निरीक्षण करने वाले हैं। ये पिटबुल है, 2.5 साल इसकी एज है। अभी इस पे अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और इसके इस तरह से स्पॉट पड़ रहे हैं। स्पॉट का मतलब है कि कुछ कुछ बाल इसके झड़ने लगे हैं और कुछ बाल यहाँ भी हमको फैले हुए नजर आ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अगर इस तरह से कोई बाल कुत्ता झाड़ रहा है और गिरा रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें अभी हमको इसके इसको पौष्टिक चीज़ें, विटामिन्स, ओमेगा बाकी चीज़ें देने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड में अक्सर बाल कम गिरते हैं और गर्मियों में नेचुरल बाल कुत्ते के गिरते हैं। लेकिन ठंड में अगर गिर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको अब ओमेगा की डाइट हमको देनी पड़ेगी। अभी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? क्या बताइए। हाँ, आपको मिलेगी, एड मिलेगी। ये दिन भर पंखे में रहना इनकी आदत है, कूलर में रहना, अभी आजकल कूलर नहीं चल रहा है लेकिन पंखे में रहना इनको ज़रूरी है। तो आज पंखा बंद है तो ये अभी पंखा चलाने को बोल रहे हैं, तो अभी पंखा चलेगा। ठीक है, अभी मम्मा झाड़ू लगाएंगी उसके बाद चलेगा। ठीक है, अभी ये 2.5 साल की है और काफ़ी एक्टिव है और पूरा जो ब्रीड है इनकी शुद्ध पिटबुल है। एग्रेसिव ना हो इसके लिए भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इससे फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फ्रेंडली नहीं रहेंगे, इससे मिलना जुलना नहीं रहेंगे करेंगे तो ये फिर आक्रामक, अपना जो इनका स्वभाव है, जो इनके जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये फिर आक्रामक हो जाते हैं। इसलिए कोई भी अगर पिटबुल पालता है तो उसके साथ खेलना, उसके साथ उसकी एनर्जी वेस्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अदरवाइज वह जो उसका स्वभाव है आक्रामक, उसका स्वभाव नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं क्योंकि यहाँ सब लोग इनके साथ समय समय देकर, थोड़ा थोड़ा समय देकर खेलने की कोशिश करते हैं और इनको अपना मानने की कोशिश। और ये एक चीज़ और देखी होगी, ये जो झाड़ रहा है ये भी इसके छोटे छोटे बाल जो हैं वो अभी इनके गिर रहे हैं और वो बाल इसके नीचे कानों पर या आंखों पर आते हैं, तो ये सर को झटक कर उन बालों को दूर करने की कोशिश। क्या क्या बताओ, क्या क्या बोलो, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या? चल, ओके।